हाँ जी जी सर, तो आपको जो एटीएम कार्ड मिला है सर, उन्हें आप चलाना चाहते हैं जी या बंद रखना चाहते हैं? कौन से वाले बैंक का जी सर? आपका यहाँ से बैंक नहीं आ रहा सर, रजिस्ट्रेशन नंबर आया हो 4029850। आप कौन कौन से बैंक के साथ जुड़े हुए सर? हमारे 19 बैंकों में से जैसे कि SBI, बैंक ऑफ इंडिया, बड़ौदा, इलाहाबाद, एक्सिस, यूनियन, यूको, यूनाइटेड, एक्सिस में है मेरा एक्सिस का अकाउंट और एटीएम कार्ड लिए हुए ना सर, जिन्हें आप चला रहे थे अभी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ सर, तो इनका वेरिफिकेशन चल रहा था सर, कार्ड का रिन्यूअल हो रहा था, जो कि सर आपने नहीं कराए, जिस कारणों से आज की डेट पे आपका जो अकाउंट है उन्हें बंद कर दिया गया है। तो उनको आप वेरीफाई करके यूज करना चाहते सर, बराबर चलाना चाहते जी, या हमेशा के लिए बंद रखना चाहते सर? नहीं नहीं चलाना है, अभी तो लिया था थोड़े टाइम पहले। हाँ तो सर चलाने के लिए सर आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा सर, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए जी, डी ओ भी बताइए सर। हाँ डेट ऑफ बर्थ मेरा है 26 नवंबर 1986 जी, वेट कीजिए मैं चेक कर ले रहा हूँ सर, 1986 जी सर, ये आपने बिल्कुल सही बताया जी सर। कार्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर बताइए सर, कार्ड कब आप इशू करवाए थे और रजिस्ट्रेशन डेट बताइए सर। कार्ड के ऊपर जो लिखी होती है स्टार्टिंग वाली, हाँ सर वो आपके डेट कार्ड पे और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों लिखी रहती है, यदि आपको मालूम नहीं है तो कार्ड को ओवर द हैंड लेके देख लीजिए। कार्ड की तो वो मेरे पास फोटो है, उसका स्टार्टिंग डेट है अपना मेरे ख्याल से 08/2011 है उस पे। हाँ सर देखिए कार्ड पे और एक रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है सर, बड़े बड़े अक्षरों पे, और रजिस्ट्रेशन नंबर बताइए। रजिस्ट्रेशन कौन सा, कितने डिजिट वाला? 16 डिजिट का रहता है सर, बड़े बड़े अक्षरों पे 16 अंक का, चार चार आंकड़े का। यार वो वाला कार्ड नंबर आपने लास्ट में क्या बताया सर? देखिए आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है सर, रजिस्ट्रेशन नंबर 16 डिजिट का, देखिए 4 या 5 से शुरू होगा सर, बड़े बड़े अक्षरों पे। एक मिनट में बताता हूँ कि मैं निकाल लेता हूँ कार्ड, एक मिनट, मेरा ना एक्सिस बैंक का कार्ड होगा, कार्ड निकालो। होल्ड पे ये सर जी सर, क्या है एक्सिस बैंक से बोल रहे हैं ना? जी जी सर। अच्छा कौन सी वाली ब्रांच से बोल रहे हैं भैया? क्या सर? कौन सी ब्रांच से बोल रहे हैं सर? एटीएम हेड ऑफिस से आपको कॉल किया गया सर, जहाँ से आपका एक्सिस बैंक का एटीएम डेबिट कार्ड बंद किया गया है सर, मुंबई कुर्ला कॉम्प्लेक्स से सर। अच्छा 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 नहीं 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 देखो एक्सिस वाला तो यार वो बंद हो गया, मैं आपको जो बता रहा था वो मेरा HDFC का है, सॉरी। और तो HDFC का तो देखिए उनसे क्या दिया हुआ है सर, यहाँ पे तो ICA में बोल रहा हूँ सर, आप एक्सेस बता रहे जो कि नंबर आपका रजिस्ट्रेशन दूसरा आ रहा है। मेरा HDFC है यार, वो HDFC है, सॉरी। हाँ HDFC वाले पे भी देखिए नंबर होगा सर, वही नंबर जो कि म्यूचुअल आपने नहीं कराया, इस कारण से जो नंबर बताते हैं तो वहाँ पे गलत बताता, नंबर क्या है जी HDFC वाले पे देखिए। HDFC का बताऊँ, एक मिनट होल्ड करें यार। हाँ लिखिए भाई सर जी, बताइए। 5176 5216 5210 0999 0999 7642 7642। एक बार फिर से रिपीट कीजिए तो सर इन्हें, एक मिनट भैया, लास्ट में 0999 7642। हाँ शुरू से बताइए सर, शुरू से। 5176 हाँ, 5210 हाँ, 0999 हाँ, 7642 जी। उनके नीचे देखिए एक डेट दिया होगा सर, मंथ और ईयर में सर, महीने और साल में देखिए। महीने का तो सर इसका वो ही है 0811 0811। और सर बगल में देखिए और एक एक्सपायरी डेट दिया होगा, एक्सपायरी डेट है इसमें 08 क्या लिखा, 17 लिखा है इस पे, 0817 मतलब बटा 08/17 लिखा है, 08/17। हाँ 2017 होगा ना शायद? हाँ सर 17 ही है, लाइन पे बने रहे, मैं चेक कर दे रहा हूँ इसे। कार्ड को पलटिए सर, बैक साइड पलटाइए, बैक साइड। हाँ हाँ सर बताएं। हाँ उन पे देखिए, काला पट्टी के नीचे व्हाइट पट्टी पे आपको कोई नंबर दिखाई दे रहा है सर? हाँ, 7642 के बाद। हाँ 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 ये जो पहले तो स्टीकर से लगा है। हाँ सर हाँ, काला पट्टी उसके बाद लिखा है 421 421 है ना सर? हाँ लाइन पे बने रहे, मैं चेक कर ले रहा हूँ।
तो जो नंबर बताए वो कार्ड पे देख के बता रहे जी आप? यार मेरे ना फोटोज हैं इस पे, मैं फोटो खींच के रखता हूँ फोन पे। हाँ क्या करने के लिए फोटो खींच के रखते हैं आप? कार्ड नहीं रख सकते, फोटो खींच के रखते हैं? फोटो से एटीएम बूथ में पैसे निकलते क्या सर? अरे तो एटीएम नहीं ना, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं ना, एटीएम का ज्यादा यूज नहीं करते हम। बहन है तेरी, उसका मैं यहीं से ट्रांजेक्शन करूंगा, वहीं पैदा होगा बेटे माँ।